हेलो एवरी वन दिस इज़ मीनाक्षी राना टूडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू जोग्राफी चैप्टर टू ग्लोब लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स सो लेट्स स्टार्ट इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव रीड दैट आर प्लेनेट अर्थ इज़ नोट स्फ़ेयर इट इज लाइटली फ्लैटन्ड एट द नॉर्थ एंड द साउथ पोल्स एंड बल्ज इन द मिडिल स्टूडेंट्स लास्ट चैप्टर में हमने आपको बताया था कि अर्थ के बारे में हमारी अर्थ गोलाकार नहीं बल्कि यह नॉर्थ और साउथ पोल्स पर थोड़ी चपटी और मिडिल में थोड़ी उभरी हुई है कैन यू इमेजिन हाउ इट लुक्स इसके बारे में जानने के लिए आपको ग्लोब देखकर समझना होगा ग्लोब अर्थ का वास्तविक छोटा रूप है लुक एट दिस ग्लोब ग्लोव्स में वी ऑफ वेरिंग साइज एंड टाइप बिग वंस विच कैन नॉट बी कैरीड ईजिली स्मॉल पॉकेट ग्लोब्स एंड ग्लोब लाइक बलून्स विच कैन बी इनफ्लेटेड एंड आर हैंडी एंड कैरीड विद ईज ग्लोब भी कई साइज और टाइप के होते हैं जैसे बड़े ग्लोब जो ईजीली एक प्लेस से दूसरे प्लेस नहीं ले जाए जा सकते इस्मोल पॉकेट ग्लोब भी होते हैं और बलून्स जैसे ग्लोब भी होते हैं जिनमें हवा भरी जा सकती है और इजीली एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ले जाए जा सकते हैं ग्लोब फिक्स्ड नहीं होते इसे उसी प्रकार रोटेट किया जा सकता है जैसे लट्टू घूमता है या कुम्हार का व्हील रोटेट होता है ग्लोब पर कंट्रीज कॉन्टिनेंट्स और ओशियंस को उनके करेक्ट शेप में दिखाया जाता है इट इज़ डिफिकल्ट टू डेस्क्राइब द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन अ स्फेयर लाइक द अर्थ ना ऑफ द क्वेश्चन अराइजेज एज टू हाउ टू लोकेट अ प्लेस ऑन इट अर्थ के समान किसी गोले पर किसी पॉइंट की लोकेशन को डेस्क्राइब करना डिफिकल्ट होता है ना ऑफ द क्वेश्चन अराइजेज कि इस पर किसी प्लेस को लोकेट कैसे किया जाए इसके लिए हमें किसी भी प्लेस की लोकेशन को फाइंड आउट करने के लिए कुछ पॉइंट्स और लाइंस की नीड होगी यू विल नोटिस दैट अ निडल इज फिक्स्ड थ्रू द ग्लोब इन अ टिल्टेड मैनर विच इज़ कॉल्ड इट्स एक्सिस टू पॉइंट्स ऑन द ग्लोब थ्रू विच द निडल पासिस आर टू पोल्स नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल जब भी आपने ग्लोब को देखा होगा तब यह नोटिस किया होगा कि एक नीडल ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में फिक्स्ड होती है जिसे एक्सिस कहा जाता है ग्लोब पर टू पॉइंट्स जिसके थ्रू सुई पास होती है उन दोनों पोल्स को नॉर्थ पोल और साउथ पोल कहते हैं ग्लोब को इस निडिल के चारों ओर वेस्ट टू ईस्ट घुमाया जा सकता है जैसे हमारी अर्थ मूव करती है मीन्स हमारी अर्थ वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है बट रिमेंबर देर इज़ अ मेजर डिफरेंस अर्थ पर वास्तव में ऐसी कोई निडिल नहीं होती है यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है जो एक काल्पनिक रेखा है अनेदर इमेजनरी लाइन रनिंग ऑन द ग्लोब डिवाइड्स इट इनटू टू इक्वल पार्ट्स एक और इमेजनरी लाइन होती है जो ग्लोब को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है इस लाइन को इक्वेटर कहा जाता है पृथ्वी के नोदन हाफ वाले पार्ट को नोदन हेमिस्फीयर कहा जाता है और सदर्न हाफ वाले पार्ट को सदर्न हेमिस्फीयर के नाम से जाना जाता है ये दोनों इक्वल हाफ पार्ट होते हैं इस प्रकार इक्वेटर एक इमेजनरी लाइन है और यह है बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे अर्थ पर प्लेसेज की लोकेशन का पता चलता है इक्वेटर से पोल्स तक जितने भी पैरेलल्स सर्कल्स हैं उन्हें पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स कहा जाता है लेटिट्यूड्स का मेजरमेंट डिग्रीज में किया जाता है द इक्वेटर रिप्रेजेंट्स द ज़ीरो डिग्री लैटीट्यूड सिंस डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू आदर ऑफ द पोल्स इज वन फोर्थ ऑफ अ सर्कल राउंड द अर्थ इक्वेटर जीरो डिग्री लेटिट्यूड को दर्शाता है इक्वेटर से दोनों साइड पोल्स के बीच का डिस्टेंस अर्थ के चारों ओर के सर्कल का वन फोर्थ होता है इसलिए इसका माप होगा 360 डिग्री का वन फोर्थ मीन्स नाइन्टी डिग्री इस प्रकार 90 डिग्री नॉर्थ पोल पर नॉर्थ लैटिट्यूड को दर्शाएगा और 90 डिग्री साउथ पोल पर साउथ लैटिट्यूड होगा सच ऑल नॉर्थ नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर आर सिमिलरली ऑल पैरलर्स साउथ ऑफ द इक्वेटर आर कोल्ड साउथ लैटिट्यूड इस प्रकार इक्वेटर के नॉर्थ साइड की सभी समानांतर रेखाओं को नॉर्थ लैटिट्यूड्स कहा जाता है और इक्वेटर के साउथ में लोकेट सारी समानांतर रेखाओं को साउथ लेटेट्यूड्स कहते हैं द वैल्यू ऑफ ईस्ट लेटिट्यूड इज देअर फॉर फॉलोड बाई आदर वर्ड नॉर्थ और साउथ जनरली दिस इज इंडिकेटेड बाय द लेटर एन और एस इसलिए प्रत्येक लैटिट्यूड की वैल्यू के साथ उसकी डायरेक्शन मीन्स नॉर्थ या साउथ को भी लिखा जाता है जनरली इसे एन और एस लेटर से इंडिकेट किया जाता है फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र में चंद्रपुर और साउथ अमेरिका ब्राजील में बेलो होरिजोंटे ये दोनों एक ही लैटिट्यूड के 20 डिग्री पर लोकेटेड हैं बट चंद्रपुर इक्वेटर के 20 डिग्री नॉर्थ में लोकेटेड है और बेलो होरिज़नटे इक्वेटर के 20 डिग्री साउथ डायरेक्शन में है इसलिए हम कह सकते हैं कि चंद्रपुर 20 डिग्री नॉर्थ लेटिट्यूड पर और बेलो होरिज़नटे 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पर स्थित है फिगर 2.2 देखकर आप समझ सकते हैं कि जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर जाते हैं लेटिट्यूड का साइज घटता चला जाता है नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इंपॉर्टेंट पैरल्स ऑफ लैटिट्यूड्स besides the equator 0 degree the north pole 90 degree north and the south pole 90 degree south there are four important parallels of latitudes first one is tropic of cancer 23 whole 1 upon 2 degree north in the northern hemisphere इसे हिंदी में कर्क रेखा कहते हैं ये नोदन हेमिस्फेयर में 23 थ्री होल वन अपॉन डिग्री पर लोकेटेड है you can look at this picture here is topic of cancer and it is situated at northern hemisphere second one is topic of capricorn 23 whole 1 upon 2 degree south in southern hemisphere इसे हिंदी में मकर रेखा कहा जाता है ये सदन हेमिसफेयर में 23.5 डिग्री पर स्थित है आप देख सकते हैं इस पिक्चर में हेयर इज टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन इन साउथ डायरेक्शन नेक्स्ट वन इज आर्कटिक सर्कल ऐट सिक्सटी सिक्स हॉल वन अपॉइंट टू डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर ये इक्वेटर के नॉर्थ डायरेक्शन में सिक्सटी सिक्स पॉइंट फाइव डिग्री पर स्थित है लुक एट दिस पिक्चर हेयर इज आर्टिक सर्कल फोर्थ वन इज एंटार्कटिक सर्कल एट सिक्सटी सिक्स हॉल वन अपॉइंट टू डिग्री साउथ ऑफ़ द इक्वेटर ये इक्वेटर के साउथ डायरेक्शन में सिक्सटी सिक्स पॉइंट फाइव डिग्री पर सिचुएटेड है

द मिड डे सन एग्जैक्टली ओवर एट लीस्ट वंस आ ईयर ऑन ऑल लेटिट्यूड्स इन बिटवीन द टॉपिक ऑफ कैंसर एंड द टॉपिक ऑफ़ कैप्रिकॉन दिस एरिया देयर फॉर रिसीव्स द मैक्सिमम हीट एंड इट इज कॉल्ड द जोन। टॉपिक ऑफ कैंसर और टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच सभी लेटिट्यूड्स पर सन साल में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है इसलिए इस एरिया में सबसे ज्यादा हीट होती है और इसे टोरिजोन कहा जाता है द मिड डे सन नेवर शाइन्स ओवर हेड ऑन एनी लेटीट्यूड बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बाद किसी भी लेटीट्यूड पर दोपहर का सन कभी भी ओवर हैड नहीं होता पोल्स की तरफ सन रेज तिरछी होती जाती हैं या फिर घटती चली जाती हैं इस प्रकार नोदर्न हेमिसफेयर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल और सदर्न हेमिसफेयर में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और एंटार्कटिक सर्कल के बीच क्षेत्र का टेम्परेचर मॉडरेट रहता है इसलिए इन्हें टेम्परेट जोन्स कहा जाता है एरियाज लाइंग बिटवीन द आर्कटिक सर्कल एंड द नॉर्थ पोल इन द नॉर्दर्न हेमिसफेयर एंड द एंटार्कटिक सर्कल एंड द साउथ पोल इन द सदर्न हेमिसफेयर आर वेरी कोल्ड नॉर्दन हेमिस्फेयर में आर्कटिक सर्कल और नॉर्थ पोल और सदर्न हेमिस्फेयर में एंटार्कटिक सर्कल और साउथ पोल के बीच वाली एरिया में बहुत ज़्यादा ठंड रहती है क्योंकि यहाँ पर सन क्षितिज से ऊपर नहीं जा पाता इसलिए इसे फ्रीजिड जोन्स कहा जाता है मीस वेरी कोल्ड स्टूडेंट्स रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस चैप्टर आई विल एक्सप्लेन यू इन नेक्स्ट वीडियो If you like this video, please subscribe to my channel and don't forget to press the like button. Thanks for watching. Have a good day.